ये कहानी खून से लिखी हुई है। 500 करोड़ का बजट और कलेक्शन 1000 करोड़, ये क्या गणित लगा दी मांगा साहब? इतना भरोसा क्यों है संदीप को प्रभास के टैलेंट पर? यह है कोई और बात। हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक में एक बात काफी गौर करने वाली है। बीते कुछ सालों में इन दिनों इंडस्ट्री के मेकर्स ने फिल्मों के बजट को आसमान तक पहुंचा डाला। डायरेक्टर्स और मेकर्स अब बड़े बड़े एक्टर्स के लिए बड़े बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं। 300 से 400 करोड़ तो अब आम बात हो गई है। हालांकि कम बजट वाली फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर रही है, लेकिन पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्मों का बजट हर बार सभी का ध्यान खींचता है। कल की 2898 एंड सलार जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद अब मेकर्स प्रभास की फिल्मों के लिए कम बजट के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान ही नहीं दे रहे। इसी बीच प्रभास की अगली पिक्चर स्पिरिट का बजट भी पता चल गया है। संदीप रडिवांगा की पिछली फिल्म एनिमल थी, उन्होंने इस पिक्चर से कई बॉलीवुड स्टार्स की सोई हुई किस्मत को जगा डाला। रणबीर कपूर, बॉबी डियोल, अनिल कपूर, तृप्ति दिमरी और रश्मिका मंदाना फिल्म में लीड रोल में थे। इस फिल्म ने दुनिया भर में 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी एंड हिंदी वर्जन में 500 करोड़ कमाए। संदीप एनिमल की हिंदी वर्जन की कमाई से ज्यादा तो स्पिरिट को बनाने में खर्च करने वाले हैं। प्रभास जल्द ही संदीप रडिवांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट पर काम शुरू करेंगे। तेलुगु सिनेमा लगातार पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। देखा जाए तो साउथ में ये भी देखा जा रहा है कि तेलुगु सिनेमा की पैन इंडिया फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर सैकड़ों करोड़ कमा रही है। संदीप रडिवांगा प्रभास की प्रोजेक्ट स्पिरिट से फैंस को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि फिल्म में प्रभास जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। फिल्मों में तगड़े एक्शन दिखाने के लिए संदीप करोड़ों खर्च कर रहे हैं। जितना रणबीर कपूर और संदीप रडिवांगा की एनिमल ने हिंदी में कमाई कर डाली, उतना तो डायरेक्टर प्रभास की स्पिरिट पर खर्चा कर रहे हैं। संदीप वांगा की एक्शन ड्रामा स्पिरिट पर हर कोई अपने नजरें गड़ाकर बैठा है। फिल्म में प्रभास ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने का सोचा है। फिल्म यूनिट से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया कि स्पिरिट का बजट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। अगर बजट ही 500 करोड़ का होने वाला है तो मेकर्स इस फिल्म से 1000 करोड़ की उम्मीद कर सकते हैं। असल में संदीप को प्रभास की पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड पता है कि फिल्में कितनी अच्छी कमाई कर सकती हैं और उन्हें अपने डायरेक्टोरियल नेचर पर उससे ज्यादा भरोसा है। इतना ही नहीं बल्कि प्रभास की कल की 2898 को 600 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया। इस फिल्म ने 1100 करोड़ की कमाई कर डाली। वहीं प्रभास के फैंस भी काफी खुश हो गए थे। इससे पहले उन्हें सलार में देखा गया। सलार का बजट 270 करोड़ था और उस 270 करोड़ में उन्होंने 650 से 700 करोड़ की कमाई की। ग्लाटा प्लस यूट्यूब चैनल के लिए भारद्वाज रंगन ने बात करते हुए संदीप ने दबाव से निपटने पर रिएक्ट किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये बजट के अकॉर्डिंग कलेक्शन को लेकर परेशान है, तो फिल्म मेकर ने कहा उन्हें लगता है कि जिस तरह का बजट वो लगा रहे हैं इससे वो सुरक्षित फील कर रहे हैं, क्योंकि प्रभास और संदीप के संयोजन के साथ साथ सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स के साथ वो अपना बजट वसूल कर सकते हैं। अगर टीजर, ट्रेलर और गानों के साथ सब कुछ ठीक रहा और ऑडियंस का प्यार मिलता रहा तो ओपनिंग डे पर 150 करोड़ रुपए आराम से कमाए जा सकते हैं। ये एक व्यापार ही तो है, इसे दुनिया भर में या पैन इंडिया होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा हो तो इस तरह की फिल्में आसानी से एक दिन में 150 करोड़ रुपए कमा सकती हैं। साथ ही इसमें एक और खास बात यह है कि इसमें एक पावर कपल भी दिखने को मिलने वाला है और रियल लाइफ में काफी फेमस है लेकिन शादी के बाद पहली बार साथ काम करेंगे, वो है सैफ और करीना। करीना अभी द बग्गम मर्डर्स में देखी गई थी। सैफ अली खान को देवरा में आज विलन देखा जाएगा, पर स्पिरिट में दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, पर अभी तक इनके रोल्स पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। वेल, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाय टू 8828850888।